नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोग्रूम रंगांक। आज हम बात करने वाले हैं लाल किताब राशिफल 2021 की। जी हां दोस्तों, लाल किताब को हमेशा से ही ज्योतिष में अहम स्थान प्राप्त है, क्योंकि ये माना गया है कि लाल किताब प्रत्येक राशि के जातकों के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की स्थिति का सही आकलन कर उन्हें संपूर्ण और विस्तृत जानकारी देने में पूरी तरह से सक्षम है। ज्योतिष में लाल किताब के उपायों को भी बहुत कारगर माना जाता है। ऐसे में आपको अपने करियर, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, अर्थ प्राप्ति और प्रेम जीवन से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त करने में हमारा यह लाल किताब राशिफल बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए जानते हैं लाल किताब राशिफल 2021। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यह वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यात्रा के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपका रुझान धार्मिक कार्यों में भी अधिक होगा, जिससे आप दान पुण्य के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, साथ ही आपको सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अध्यापन, इंजीनियरिंग, विधि एवं कानून, अध्यात्म आदि क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी इस वर्ष शुभ अवसरों की प्राप्ति हो सकेगी। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य विदेश जाने की सोच रहा है तो उसके लिए समय उत्तम रहेगा। पारिवारिक आय में भी वृद्धि होगी, साथ ही घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन संभव है। हालांकि जनवरी से फरवरी का समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता दिलाने वाला होगा, क्योंकि वह इस समय का उचित उपयोग करते हुए अपनी मेहनत को रफ्तार देंगे। इसके बाद मार्च से अप्रैल के बीच आपके प्रेम संबंधों को बेहतर बनाने में आपको समय से मदद मिलेगी। आप इस अवधि में अपने प्रियतम के साथ सुंदर पलों का आनंद लेते हुए उनके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। यदि आप प्रेम की तलाश में थे तो इस दौरान आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन भी संभव है। वृश्चिक राशि के जातक जून जुलाई के महीने में कोई चल या अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। यह समय आपके रुके हुए सभी कामों को पूरा करते हुए आपकी आर्थिक उन्नति भी करेगा। साथ ही जुलाई से सितंबर के बीच कार्य क्षेत्र में भी आपको पदोन्नति मिलेगी। इस समय आपकी मेहनत को देखकर आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे प्रसन्न होंगे, जिससे आपको उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। सितंबर से अक्टूबर के बीच आपको कार्यस्थल पर कई नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। आप इस समय लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होंगे, साथ ही कई महत्वपूर्ण लोगों से आपके संपर्क स्थापित हो पाएंगे, जिससे आपको भविष्य में अच्छा फायदा मिलेगा। वो जातक जो विदेश जाने के इच्छुक थे, उनके लिए इस वर्ष नवंबर का महीना सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। हालांकि दिसंबर के महीने में आपके राशि के स्वामी आपकी ही राशि में विराजमान होंगे, जिससे आपको कुछ स्वास्थ्य हानि हो सकती है। ऐसे में अपनी सेहत के प्रति सजगता बरतें। हालांकि यह समय आपके अंदर नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आएगा, जिससे आप हर कार्य को समय से पहले ही पूरा कर पाएंगे। संक्षेप में कहें तो यह वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सामान्य से ज़्यादा बेहतर साबित होगा। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए जो इस साल उपाय किए जाने हैं, उनमें से हैं, जरूरतमंदों में चावल और दूध का दान करें। अपने किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना होते हुए केवल खुद ही उसे पूरा करने का प्रयास करें। आपके लिए गले में चांदी की चेन या हाथों में चांदी का कड़ा पहनना उचित रहेगा। अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ छल ना करें या कोई उनको धोखा ना दें। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय अपनी माँ या माँ जैसी किसी भी स्त्री का आशीर्वाद अवश्य लें। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना या केले खिलाना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। तो ये था आपकी राशि के अनुसार लाल किताब राशिफल 2021। आप सभी को एस्ट्रो ग्रुप मृगांक का प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।